नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद एफएसटी एवं एसएसटी की निरंतर चेकिंग अभियान चालू है। शहर के बाहरी और अंदरूनी चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर जिले के भितरवार अनुभाग में दो कार्रवाइयों के दौरान 18.5 लाख की नकदी बरामद की गई है। दोनों ही मामलों में यह रकम व्यापारियों से बरामद की गई है। पहली कार्रवाई बेलगढ़ा थाना क्षेत्र में हुई, जहां एसएससी टीम ने एक ब्रेजा कार में सवार निर्मल सोनी नामक मंडी कारोबारी के कब्जे से यह रकम बरामद की है। निर्मला सोनी शिवपुरी के मगरौनी का रहने वाला बताया गया है। वह मारुति ब्रेजा कार में सवार होकर भितरवार की ओर आ रहा था, जहां चेकिंग के दौरान बेलगढ़ा पुलिस को कार से यह रकम बरामद हुई। इसी तरह एक अन्य कार्रवाई में 4.5 लाख रुपए की रकम एक अन्य कारोबारी से बरामद हुई है। दोनों ही मामलों में मौजूद अफसरों को कार सवार लोग इस रकम के स्रोत के बारे में सही तरीके से नहीं बता पाए। इसके बाद मामले को आयकर विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिले भर में अभी तक एसएसटी टीम ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर ली है। सर, पैसे पकड़े थे क्या पूरे मामले में? ग्वालियर पुलिस द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु आदर्श आचार संहिता का लगातार पालन कराया जा रहा है। उसी क्रम में लगातार जिले में अलग अलग नाकाबंदी और चेकिंग की जा रही है। बेलगढ़ा भितरवाड़ की एफएसटी टीम द्वारा आज अभी थोड़ी देर पहले एक गाड़ी चेक की, उसमें 14 लाख रुपए नकद मिले। 14 लाख रुपए निर्मल सोनी नामक व्यक्ति हैं, चीपरी के रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ करने पर उनका कहना तो यह है कि व्यापारी हैं, मंडी के काम से जा रहे थे। तो इस संबंध में जब्त किए गए, जांच की जा रही है। जांच कर जो वैधानिक कार्रवाई हुई वो की जा रही है। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।